जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत नाबालिग युवती का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत एक नाबालिग युवती के भाई ने अपहरण करके जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को तलाश में एक टीम का गठन करके उनकी तलाश में जुट गई। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने इस पर बताया है कि गोविंदगढ़ थाने पर उपस्थित होकर नाबालिग युवती के भाई ने चार नामजद लोगों के खिलाफ अपहरण करके सामूहिक बलात्कार करने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि युवती का अपहरण करके उसे होटल में रखा गया, उस युवती का सामूहिक बलात्कार किया, जिससे चार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस ने 363, 366A, 376D, IPC 504 तथा पोस्को एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी वसीम पुत्र शमशेर निवासी न्याना उम्र 23 वर्ष, उसके तीन अन्य साथी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और जांच अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने मौके पर जाकर युवती से गहन पूछताछ की। युवती का मेडिकल मुआयना भी करवाया गया। गौरतलब है कि अलवर जिले में महिला उत्पीड़न के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके सवाल पर पुलिस अधीक्षक ने बोलते हुए कहा कि लोगों की मानसिकता बहुत ही खराब हो गई है, जिसका नतीजा यह है कि वह महिलाओं को बराबर सम्मान नहीं दे रहे हैं और आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। इस मानसिकता को सामाजिक तौर से बदलना होगा। सभी को अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी, ताकि लोगों में जागरूकता आए और ऐसे मामले घटित होने से बच्चे एवं महिलाओं को अपनी आवाज़ पूरे जोर शोर से उठाने का पूरा अधिकार है। अलवर पुलिस ने बेखौफ आवाज़ नाम से एक अभियान भी चलाया हुआ है, जिसके माध्यम से कोई भी महिला अगर प्रताड़ित हो रही है तो वह बात को दबाए ना, बल्कि प्रशासन को बताए, ऐसे लोगों को एक्सपोज करे, ताकि ऐसे सोच वाले लोगों को कठोर सजा दी जा सके। थाने पर क्या पूरा मामला है सर, आप भी यहाँ पर आई हुई हैं? आज गोविंदगढ़ थाने पे हमें एक रिपोर्ट मिली कि 15 वर्षीय बालिका के साथ एक अपहरण करके उसका गैंगरेप और पॉक्सो के अंदर एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें अपहरण यहाँ से करके ले जाकर बाहर कहीं होटल पे रखने की एक रिपोर्ट बालिका ने बताई है। इस रिपोर्ट पर गैंगरेप और पॉक्सो के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब रामगढ़ ओम प्रकाश मीणा जी द्वारा किया जा रहा है। इसमें चार लोगों को नामजद बताया गया है, जिनमें जो सभी बालिग हैं, और मैं और आयु साहब दोनों मौके पे जाके आए हैं। पीड़ित बालिका से बात भी की है, उनके घर वालों से भी बात की है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द चालान पेश करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैडम, जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न के केस जिले भर में बढ़े हैं, आप खुद एक महिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार, चाहे वो थानों की बात रही हो चाहे बाहर की बात रही हो, बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अत्याचार या क्राइम के मामले हैं वो ज्यादातर जानकार लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। घरों के अंदर ये मामले बढ़ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर ये मामले बढ़ रहे हैं। मामले अगर घरों के अंदर हों तो पुलिस घरों में तो नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं ये समाज का एक पतन है। सामाजिक रूप से हम सबको मिलकर सोचना है कि हम अपनी बहन बेटियों और अपनी महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मानसिकता हो गई है हमारे लोगों की कि इस तरीके की हरकतें हम लोग करने पर उतारू हो जाते हैं। बच्चियों को, महिलाओं को, वृद्धजनों को, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो पुलिस का काम जरूर इतना है कि हम क्राइम होते ही त्वरित अनुसंधान कर उसको सजा दिलाने का काम है, जो हम बिल्कुल करेंगे, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो कोई और व्यक्ति हो। लॉ सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है, और अगर कोई भी इस तरीके से क्राइम करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।